आगे अभी क्या, अभी जो है जी बेगम साहिबा अपनी अम्मी के घर पहुंच चुकी है। हां जी, इतनी खुशी है। ऐसा लगा घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा शोर है बसों का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो सरप्राइज था वो अभी जो है ओपन होने वाला है। ये क्या सरप्राइज हो गया भाई? हाँ जी, अम्मी जान मुझसे नाराज है क्या? भूल गई है। ये तो ना इंसाफी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर जो है वो जारी है, पहुँचे नहीं है अभी, जो है सफ़र जारी है और आधा सफ़र तकरीबन हो चुका है, बाकी जो है इंशाल्लाह आधा रहता है। वो भी आप सब दुआ करें कि खैर खैरियत से हो जाए। यहाँ पर देखें बच्चे भी सब मेरे साथ हैं। हाँ जी, उनकी लगी हुई है, चला सकती क्यों चले से पीछे मुंह करके थोड़ी बीबी जुलूँ किधे जुलूँ जुलूँ चले। बेगम साहब थक चुकी थी, मैंने कहा सारी ले लें चलें। फिर आगे फिर कोई चीज़ देखेंगे बच्चों के लिए, फ्रूट वगैरह ले के फिर जो है ना रेस्ट करेंगे फिर आगे किसी जगह पे। सही है, तबीयत ठीक है ना? ठीक है, बस थक गई हो आप। जो बंदा थक भी जाता है ना, हमारे साथ बच्चे हैं, फिर अल्लाह पाक करम करे इंशाल्लाह। मेरे पास ही ये अमरूद का बाग है, बेगम साहिबा ने कहा अमरूद खाने हैं। ये देखें अमरूद ले आए हूँ कटवा के, सब बच्चे खा रहे हैं माशाल्लाह। खा रहे हो क्या? खा रहे हो अमरूद? खा रहे हो? बहुत ज़्यादा शोर है बसों का। आ जा रही है ना, इसलिए पास ही तो रोड है ना। सही है, मैं खाऊं, मैं भी खा लेता हूं, मैं भी खाऊं। ये तो कुराड़े कुराड़े हैं है ना। सही है, सही है, इतनी खराब भी नहीं है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अमरूद वगैरह खा लिए हैं। आज मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, हवा अच्छी खासी चल रही है। और पूछते हैं कैसे मूड है, चलें आगे जाके फिर रेस्ट करना है। अभी जो है ना आधे से कुछ ज़्यादा सफ़र मतलब तीन से हो चुका है, अभी एक हिस्सा बाकी है सफ़र का। तो आप सब ने और भी दुआ करनी है मदीन की, अल्लाह पाक खैर खैरियत से पहुँचाए। और जो होता है कि गाँव के सारे ही चल सकता है इंसान, बाकी जिंदगी मौत का कोई पता नहीं होता है ना पुत्र। चले माशाल्लाह जुले, साई निकल गई है। अभी फिर से प्यास लग रही है। चलो सही है, चलते हैं जी फिर आगे रवाना। जहाँ पर रुकेंगे फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है हम जिंदूपीर शहर के करीब बैठे हैं। जिंदूपीर छोटा सा स्टाप है जहाँ का मशहूर गुलूकार अजमल साजिद, वो भी जिंदूपीर का रहने वाला है, वो सामने स्टाप है। थोड़ा सा पीछे हम स्टे किया था, अमरूद का बाग था, सोचा बच्चों को अमरूद खिला दें। तो अभी जो है चलते हैं, रहना है हमारे साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चले हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो सरप्राइज था वो अभी जो है ओपन होने वाला है। जहाँ पहुँचना था हमने पहुँच गए हैं, तरफ हो जाए। ये देखें बेगम साहिबा कैसे दांत बाहर आ रहा है। बेगम साहिबा थक गई हूँ इसलिए। बेगम साथ है, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब कहाँ गए? सब भाग गए आते ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें घर के अंदर जो है एंट्री हो चुकी है। ये एक न्यू घर न्यू जगह है और आप लोग सोच रहे हैं कि हम कहाँ आए होंगे। अंदाजा लगाना चाहिए ना कि कहाँ पहुँच गए होंगे। शायद किसी बहन भाइयों ने अगर पहले देखा होगा तो उनको मालूम होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो उनको मालूम नहीं होगा, है ना? तरह ही है ना, इस तरह। हाँ जी, तो चलें ये देखें, बीबी भी पहले पहले बैठी है। बीबी क्या देख रही हो? बीबी देख रही है, क्या देख रही हो? कहाँ आ गई हो? हैं, कहाँ आ गई हो? चलो आ जाओ, माशाल्लाह करें। ये देखें बिस्मिल्लाह,
अस्सलाम वालेकुम। ये क्या ट्रायंगल हो गया भाई? हाँ जी, ये दादी चन्नर कहाँ आई हुई है? क्या हाल है दादी? ठीक है। हाँ दादा, ठीक, खुश तकड़े, माशाल्लाह, क्या हाल है दादी? ठीक है। आ मीना, मेरे नाम झेड़ा है। अमीना को आज जी गुस्सा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तबीयत सिया ठीक है? अम्मी जान मुझसे नाराज है क्या? भूल गई है, सलाम ही नहीं कर रही है। चलो सही है, थक गए होंगे इसलिए जो है ना। कैसा, कोई कॉल भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, कोई ऐसे अचानक ही अचानक मूड बन गया। मैंने कहा सही है, पहले इरादा सुबह का था, फिर हमने कहा चलो आज ही चलते हैं, टाइम से चलो पहुंच जाएंगे, अगले दिन रेस्ट हो जाएगी। मैंने सुबह आपकी वीडियो देखी थी, थंबनेल चेक किया था, वहाँ पे लगा हुआ था कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। मुझे थोड़ा शक हुआ था कि शायद आ रहे होंगे यार, लेकिन मैंने कहा भाई वो कोई खास प्यार तो नजर नहीं आ रही थी, मैं समझा शायद वो दो बच्चों को लेकर कहीं शहर जा रहे होंगे। नहीं, शहर नहीं, यहाँ पर ही आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। बेगम साहब आते ही देखे थक गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, दुआ सलाम दे रहे थे सबको, सबको दुआ सलाम दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक ठाक। हाँ जी, वो खास तौर पे अम्मी जान और दादी जान जो है ना दुआ सलाम दे रही थी। हाँ जी, चलो जी फिलहाल बैठते हैं, बहन भाइयों को पता लग गया होगा क्या सरप्राइज था और कहाँ हम जा रहे थे। हाँ जी, आज बड़ा सरप्राइज। हाँ जी, ये था बहुत, तो जो था हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। मैंने पहली बार देखा है बेटी घर आ रही है माँ बाप के घर और बगैर रास्ते के पता भी नहीं है कहाँ जा रहे। वैसे हमने वीडियो में भी यही कहा था कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, किसी को भी नहीं पता होगा। क्योंकि और भी जगह है न जाने वाली, हमने सोचा कहीं जा रहे हैं तो हवलपुर की साइड। देखने वालों को तो ये होता है ना सरप्राइज भी, देखने को पता नहीं कहाँ जाते हैं, जहाँ जा रहे हैं उनको उनको पता होगा, लेकिन इधर आ रहे थे हमें भी बिल्कुल पता नहीं है कि इधर ही आज नहीं आना। हाँ जी, चलो ऊपर अपने घर में बैठे थे तो बच्चे जो है ना बीबी बीबी किया था, हमें पता लगा बीबी तो हमारी बच्ची है, लग रहा है वो ऊपर से देखा तो मैं क्या वाकई पक्की गाल है सिद्धरा बेटे की नजर में लालू उतारी लगा था। हाँ जी सही है, और चले जी बैठते हैं पानी पीते हैं। आते ही कोक तो आ गई है, क्या ही बात है, और बेगम साहबा को सबसे पहले मिल गई है, बड़ी बात है, ये तो ना इंसाफी है। जो वीडियो बना रहे हैं उसको बोतल नहीं देनी चाहिए क्या? वीडियो बनाते हैं वो भूखे रहते हैं। नहीं अभी कैमरा ऑन कर रहे थे तो मैंने सोचा। सही है, ये आ गई बीबी, क्या है बोतल तू पीसे? हाँ यकी पीसे, माशाल्लाह जी, ये देखें बोतल आ गई है कोक, किसी को पीनी है तो भाग के आ जाए। बेगम साहब ने आज सुला नहीं मारनी, इसलिए देखें वो 100 फुट दूर बैठ गई है जाके। अच्छा
बिस्मिल्लाह देती जाए सब बच्चों को देती जाए सबको माशाल्लाह। बीबी क्या है को भी दें। बोतल पीनी भी क्या है बोतल बोतल पीनी बैठी माशाल्लाह। मरियम भी पी रही है। मरियम किने आई वदी चाचू दिखा रही वदी तेरा चाचू चाचू बाबा चाचू बाबा तेरे किता ओता वे सोंडा चाचू बाबा तेरा भैया नहीं तेरा चाचू बाबा ए बेटी तू बेटी ए ये अब तू मैं कौन ना चाचू मेरे घर आई वदी माशाल्लाह जी। आज जो है ना मरियम रो रही थी, हमने कहा चलो मरियम को ले चलते हैं घुमाने फिराने, इस बार खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी बच्चे को जो है बोतल पिला दी है माशाल्लाह। मौसम बेटा भी पी रहा है, सिद्धार्थ बेटी भी पी रही है, जिस बहन भाई ने पीनी है अभी बची हुई है तो आ सकते हैं पी सकते हैं। ये फालतू बची हुई है क्या? नहीं बचने वाली है भी। ये भी नहीं बचेगी, आपने कहा बची हुई है, ये देखे पहले ये तो पी लें। हमें पता है ना बहन भाई वैसे ही नहीं पहुंचेंगे तो हम बच्चों पे तकलीफ कर देंगे। सही है चॉकलेट गिनाना वाह जी वाह। दादा जान डंडा लेके बैठे हुए हैं। दादा के कुडन के मरे नहीं डंड का चाहिए चाहिए था बैठे। अच्छा सही सही वैसे ही हाँ जी फिर तो सही है। किधर गया वे शह गिनान शह घेना वे फूकड़ा भी वाह। मरियम भी गई थी सारे शह लेने गए थे। ये क्या है क्या है फूकड़ा माशाल्लाह। और इधर देखें जी असर की उड़ाने भी हो रही हैं। शाम का टाइम हो गया है। कैसी तबीयत है? ये सब शह लेने गए थे। देखें घड़ी का न्यू सेल लिया है चल रही है। हाँ जी चल गई है सोनी लग रही है सेंटर में। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से जब हम पूरा खरीद लेंगे फिर जो है ना दूसरा खर्चा शुरू कर देंगे। हाँ जी फिर देखिए आगे चक्कर फिर और भी सोना होगा इंशाल्लाह जरूर क्यों नहीं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह फुर्सत देगा ऐसा ऐसा माशाल्लाह अपना घर हो चुका है। आप जो अपने घर में जो रौनक होती है बनाने का मजा आता है ना वो अलग ही है। हाँ जी बिल्कुल ये तो है अपना घर हो उसको खूबसूरत बनाने में जो है ना बहुत मजा आता है दिल भी खुश होता है। अपना घर तो अपना है। हाँ जी बिल्कुल दादी से पूछते हैं दादी कितना खुश है। दादी तो झुमरा लगा रहे होंगे। बहुत अच्छा बहुत खुशी हुई है हमें भी। और अभी हम गए थे जी चौक पर बेगम साहबा ये चप्पल लेके आया हूँ पहले वाली टूट गई है। आजकल महंगाई है आप हिसाब लगाओ कितने की होगी। सही बता रही है पहले वाली डब्बे में पैक है आपको चाहिए तो ले लो। चलो जी सही है। गुब्बारे में पानी भरा हुआ है क्या? फुल भरा हुआ है वो। ये कैसे हो जाता है? और सुनाओ फरहान पुत्र पढ़ाई कैसी जा रही है? जा रहे हो स्कूल? नहीं लगता तो नहीं है। हाँ वो बोलते हैं मुझे फूंक दे थोड़ा पानी डाल देना ये गिराएंगे नीचे पानी पानी हो जाएगा। ओ ख्याल से ये लो। हाँ जी गर्मी तो है अल्लाह करम करे गर्मी भी हट जाएगी। हाँ जी अभी है फिर शाम को तो नहीं होती। उधर तो नहीं होती उधर तो पता नहीं है।
इधर होगी ये बंद है। माशाल्लाह जी फैमिली अभी जो है आगे अभी क्या अभी जो है तैयारी हो रही है खाना बनाने की। हाँ जी बेगम साहब अपनी अम्मी के घर पहुंच चुकी है। हाँ जी पूछते हैं हमारा घर कैसा लगा है, आपको कितनी खुशी है? कैसा लगा घर? घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी तो बहन भाइयों को भी पूरा विजिट कराएंगे। हाँ जी बहन भाइयों ने जो है ना अभी वेट ऊपर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, सारा दिखाएंगे। मरियम बोल रही है ऊपर भी दिखाओ सारा। आज सफर में आए हैं तो आज थके हुए हैं, आज की जो है वैसे ये रूटीन शेयर कर रहे हैं। सुबह इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे मुकम्मल घर बहन भाइयों को कि जो हमारे जो है ना अम्मी जान और ससुर जान ये सब ने जो है ना कैसा घर लिया है। बहन भाई फिर बताएंगे कि कैसा लगा है। हाँ जी अभी तो फिलहाल जो है ना जब विजिट करेंगे आपके साथ फिर देंगे मुबारकबाद, उसके बाद मिठाइयाँ भी चलेंगी। मिठाई तो बनेगी ना। हाँ जी चले आगे की रूटीन शेयर करेंगे, फिलहाल तो ये क्लिप यहीं पर। ओके हो गया जी। अभी अभी जो है ना मैं किचन में आ चुका हूँ, देख के जो है ना दिल खुश हो गया। विजिट तो आपको इंशाल्लाह बाद में कराएंगे, फिलहाल आप जो है ना ये देखें अम्मी जान क्या बना रही हैं। आपके लिए ना चिकन बना रही हूं। चिकन बन रहा है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खुशबू भी जबरदस्त आ रही है ये देखने में, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खुशबू है, बहुत जबरदस्त। जैसे आपको पता है मेरी सासु अम्मी जो है ना ये किचन मास्टर हैं। किचन मास्टर या कुकिंग मास्टर? कुकिंग मास्टर। अच्छा अभी ना जब का जो है चैनल बनाया है यूट्यूब चैनल ब्लॉग शुरू किया है तो ना और जो है मैं सीख रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है अभी जो है कुकिंग अच्छी कर रही है। हाँ माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं और इतनी बहुत ही ना प्यारी लज्जत है हाथ की, यकीन माने के उंगलियाँ ही खा जाएं। कैसे फरहान पुत्र ऐसा है ना? सही है, मुझे तो ऐसे जो है ना किचन में आ गए और भी ज्यादा भूख लग गई है। इंशाल्लाह भूख का इलाज भी हो रहा है। माशाल्लाह जल्दी से बना छोड़े। बस शोरबे वाला पानी जो है ऐड हो गया है। सही है चलें जी अभी जो है मैं देखता हूँ बेगम साहब और बाकी सब कहाँ है, अभी ढूंढते हैं उनको। बहुत बड़ा घर है तो बंदे जो है ना ढूंढते ढूंढने पड़ते। हाँ जी अल्लाह पाक जो है आपके ओ नसीब में करे, छींके आ गई है। हाँ जी अभी जी नीचे मैंने देखा है बेगम साहब मिली नहीं तो ऊपर आ गए हूँ दूसरे फ्लोर पर। ये जो है ना डबल स्टोरी घर है तो यहाँ पर देखते हैं और ये देखें बेगम साहब इधर बैठी हैं। मैं आपको पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं नीचे सारा देख के हूँ, आप मिली नहीं मुझे। नीचे गर्मी हो रही थी तो मैं ऊपर आ गई। मगरब की अजानें भी हो रही हैं, मैंने कहा मगरब की अजानें भी हो रही हैं। ये जवेरिया क्या कर रही है, दुपट्टा नहीं पहना है? अच्छा पहनती भी नहीं है। अच्छा सही है। मरियम खुश हो जी? सही है बहुत खुश हो जी? सारे बच्चे खुश हैं? हाँ जी खुश हैं। वो देखें अभी कह रहे हैं भूख लगी है। हाँ भूख तो लगी है, वो तो मैं अम्मी जान को बोला है, मैंने कहा भूख लगी है कोई खाना वाना बना दे। तो भूख का जो है ना खाना और पीना और वो सॉरी क्या कहते हैं हांडी रोटी बन रही है। अच्छा अच्छा चलें जी मगरब की अजानें हो रही हैं फिर मिलते हैं। चलें जी अभी जो है एक और सरप्राइज है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बेगम साहब इधर रह रही हैं जी। क्या सरप्राइज है चलें? सरप्राइज मतलब खोलना होता है ओपन करना, तो आप क्या चाचू को खोलेंगी? चलो भाई को दिखाते हैं। बीबी क्या बोल रही है? बीबी को उठाओ, आज मुझे लगता है इनको भूख लग रही है। हाँ वहाँ तो दाल चूरी खाती है, क्या खाती है दाल चूरी? क्या खाओगी? ये जो है ना यहाँ पर देखें वो देखें इस तरफ जो है ना ये सूरज की ये क्या उसे कहते हैं रंगीन रोशनी पड़ने से चेहरे भी
और तरह के चमक रहे हैं। हाँ जी। चलो माशाल्लाह ये देखें। वालेकुम सलाम जी आयानो मुझे आयानो क्या हाल है ठीक हो बीबी मुंगा कब आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी खड़े थे? मैं आपके पीछे खड़ा था। पीछे खड़े थे सुनो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शुक्र अल्लाह पाक का। क्या हाल है डर के भाई? डर नहीं मैं ऐसे क्या डर गई नहीं पता नहीं उन्होंने ना अचानक सरप्राइज किया है हमसे कोई रास्ता नहीं किया सुबह भी आज हम आ रहे हैं या कोई नहीं हमने खाना वगैरह बना के रखा मतलब अभी भूखे रहे अभी तक भूखे हो सजा मिल गई तो खाना बनेगा तो ये खाएंगे। ये है ना आप सरप्राइज देने वाले थे छटका देने वाले थे आपको नहीं सरप्राइज तो हुआ ना सरप्राइज तो है वो तो खैर है बंदा बर्दाश्त कर लेता है। इतने सफर से आए ना फिर छोटे छोटे बच्चे वो रास्ते में हम चीजें खाते आए हैं ना। हाँ क्या खाया था आपको पता है बच्चे हैं हमारे साथ वो कहाँ चुप रहते हैं वो तो बस थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आए लेकिन ये तो नहीं करने वाले। हाँ ये दो छोटे हैं हाँ जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा माशाल्लाह। बाइक पे बस पे बाइक पे बाइक पे हाँ माशाल्लाह। वो जो मेरी बाबा कह दिया था वाली बाइक है ना उस पे आए हैं। कोई नहीं बाबा कह दिया था उसने मुल्क दिया और आपके पास बाइक है तो इंशाल्लाह वो भी चेंज हो जाएगी। हाँ नहीं वो पहले से ही टूट गया उसका काफी सामान टूटा फूटा हुआ है वो ऐसा होगा जिसका आजकल जैसे महंगाई है उस पर मैं खर्चा करूँ तो डबल ऐसा हो जाएगा न्यू लेने जैसा तो इतनी मेरे पास हाँ अभी तो मेरे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मैं न्यू बैग ले लूं या उस पर खर्चा करूं इतना सारा। कोई नहीं तो अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह सबर कर रहे हैं अल्लाह पाक देगा। हाँ सबर का फल मीठा होता है इंशाल्लाह। न्यू बाइक आ जाएगी जैसे हमारा न्यू घर आ गया बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह पाक देता है देर सवेर सही। हाँ देर है अंधेर नहीं। हाँ बिल्कुल चलें जी ये था हमारा आज का सरप्राइज और हमारी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल होगी उम्मीद करते हैं वीडियो के द्वारा। तो मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ तब तक हमें इजाजत दें अल्लाह हाफिज़ बाय बाय पाकिस्तान जिंदाबाद।